दरिया पुल हृदयों में सुलग उठी है जो चिनगारी अमर आग है, अमर आग है। नभी तो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। हास्य रुदन में तूफानों में अमर संख्यक बलिदानों में उद्यानों में वीरानों में अपमानों में सम्मानों में उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा कदम मिलाकर चलना। India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Range. हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता। कभी संसद में गरजे, कभी विपक्ष पर बरसे, कभी पाकिस्तान को लगाई फटकार, तो कभी देश के दुश्मनों को दी ललकार। जिनका कोई सानी नहीं, जिनके आगे नतमस्तक थे विपक्ष के सभी नेता, काल के कपाल पर लिखते थे मिटाते थे, चलते फिरते गीत नया गाते थे, ऐसे थे देश के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। प्रधानमंत्री पर हमारी स्पेशल सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने बात की थी देश के 9वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की, और आज बात करने जा रहे हैं जननायक अटल बिहारी वाजपेयी की। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। दशकों पहले देश में कमल खिलाने का जो सपना अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था वो अब साकार हो चुका है। आज देश के ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वही भारतीय जनता पार्टी जिसे अटल और आडवाणी ने अपने खून से सींचा था। कभी दो चार लोगों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का दर्जा हासिल कर चुकी है। जहां इसके पीछे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री की मेहनत और काबिलियत है, तो वहीं इसकी नींव को मजबूत करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी का दृढ़ संकल्प भी है। अटल जी और मोदी का रिश्ता कितना गहरा था उसे समझने के लिए आपको एक वीडियो दिखाते हैं। देखिए कैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ में अटल जी मोदी को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें दुलारते हैं। उस वक्त मोदी संगठन के महज एक कार्यकर्ता थे, लेकिन उनकी मेहनत और संगठन के प्रति सच्ची निष्ठा ने उन्हें अटल जी के करीब ला दिया था। आगे चलकर इसी का फल उन्हें मिला, वो सीएम और फिर पीएम बने। अब आपको एक किस्सा सुनाते हैं। ये बात 1 अक्टूबर 2001 की है। प्रधानमंत्री कार्यालय से नरेंद्र मोदी को फोन करके अटल जी का संदेश पहुंचाया गया। फोन पर कहा गया कि प्रधानमंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं। उस वक्त मोदी जी दिल्ली में बीजेपी के पुराने ऑफिस के पीछे बने एक छोटे से कमरे में रहते थे। पीएम ने बुलाया था तो मोदी भागे दौड़े पहुंचे। मोदी को देखते ही अटल जी ने कहा, आपको सीएम बनाकर गुजरात भेज रहे हैं, अगले साल होने वाले चुनाव की तैयारी कर लीजिए। ये सुनकर मोदी हैरान हो गए। उन्होंने कहा, मैं कैसे, मैं गुजरात की राजनीति से 3 साल से दूर हूँ, अब मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो फिर मैं कैसे ये जिम्मेदारी निभा पाऊंगा। अटल जी ने उन्हें काफी देर समझाया, तब कहीं जाकर मोदी तैयार हो गए। वाजपेयी जी ने काफी सोच समझकर ये फैसला लिया था, जिसके नतीजे बहुत दूरगामी होने वाले थे, जिसे देखने के लिए आज अटल जी तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके दूरगामी दृष्टिकोण की बदौलत ही आज देश को नरेंद्र मोदी जैसा सफल प्रधानमंत्री मिल पाया है, जो एक नहीं दो नहीं बल्कि तीसरी बार सरकार बना सकता है। वरना एक वक्त ऐसा भी होता था जब 3 महीने में सरकारें गिर जाती थी। उस वक्त के बीजेपी के महासचिव गोविंदाचार्य ने पार्टी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी से कहा, आपने ये क्या किया। आडवाणी जी पहले तो कुछ देर चुप रहे, फिर भारी मन से जवाब दिया कि ऐसा ही करना होगा। दरअसल ये दोनों नेता 1996 के लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी को बीजेपी की तरफ से पीएम कैंडिडेट बनाने की बात कर रहे थे। आडवाणी के फैसले से गोविंदाचार्य इसलिए हैरान थे क्योंकि उस वक्त राम मंदिर आंदोलन चलाने वाले लालकृष्ण आडवाणी
बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा थे। उस दौर में कयास लगाए जा रहे थे कि अगला चुनाव आडवाणी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। ऐसे में वाजपेयी जी का नाम आगे आना किसी को भी चौंका सकता था, लेकिन आडवाणी ने ये सब काफी सोच समझकर किया था। अब आपको बताते हैं मोदी को बनाने वाले अटल जी कैसे खुद का नाम पीएम उम्मीदवार के लिए तय किए जाने पर चौंक गए थे। ये घटना है 12 नवंबर 1995 की, जब मुंबई में बीजेपी का महाअधिवेशन चल रहा था। हवाला कांड काफी उछाला जा रहा था, इससे पार्टी को नुकसान हो सकता था या फिर जनता का समर्थन जुटाना मुश्किल हो सकता था। इसके बाद जो हुआ वो भी हैरान करने वाला था। आडवाणी जी ने 12 नवंबर 1995 को बीजेपी के अधिवेशन में ये ऐलान कर दिया कि अगले साल होने वाले आम चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। उनकी बात सुनते ही पहले तो ऑडिटोरियम में सन्नाटा छा गया। अटल जी को भी झटका लगा। उन्होंने आडवाणी से पूछा, ये क्या घोषणा कर दिया आपने, एक बार मुझसे बात तो कर लेते। इस पर आडवाणी जी बोले, अगर आपसे पूछा होता तो क्या आप मानते। इसी चर्चा के बीच थोड़ी देर में वहां मौजूद सभी नेता और कार्यकर्ताओं ने उनके फैसले का स्वागत किया और अगली बार अटल बिहारी वाजपेयी के नारे लगाए। चलिए अब चुनावी साल भी आ गया। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार शुरू हुआ। नौवे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव सरकार घोटालों के आरोप में घिरी तो बीजेपी ने परिवर्तन का नारा दिया जो काम कर गया। देश भर में अटल जी की डिमांड थी। वो लखनऊ सीट से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन पूरे देश में प्रचार करने की वजह से वो लखनऊ नहीं जा पा रहे थे। ऐसे में बीजेपी के दिग्गजों ने उनकी एक प्रतिमा बनवाई और उसी प्रतिमा को पूरे लखनऊ में घुमाया। साथ ही बीजेपी के पीएम कैंडिडेट अटल बिहारी वाजपेयी को जिताने की जोर शोर से अपील की गई। उनके सामने चुनावी मैदान में कांग्रेस नेता और अपने समय के दिग्गज अभिनेता राज बब्बर थे, लेकिन लहर तो अटल जी की चल रही थी। और देखिए, बिना अपने क्षेत्र में गए, बिना खुद प्रचार किए, अटल जी ने तब राज बब्बर को हराते हुए करीब 1.25 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी। उस चुनाव में बीजेपी को कुल 161 सीटें मिली थी, जो कि बहुमत के आंकड़े से काफी कम थी। इसके बावजूद अटल जी ने गठबंधन सरकार बनाई, लेकिन वो 13 दिन बाद ही गिर गई। और उस वक्त वाजपेयी जी ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था, आपको सुनाते हैं। सत्ता के लिए नया गठबंधन करके, अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद करता हूं। नभी तो मरणादस्मि केवलम दूषितो यश। भगवान राम ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवास से डरता हूं। अटल जी की सरकार गिरी तो जनता दल के एचडी देवेगौड़ा और आईके गुजराल की सरकारें बनी, लेकिन आपसी कलह के चलते वो दोनों सरकारें भी गिर गईं, जिसके बाद मार्च 1998 में फिर चुनाव हुए। इस बार बीजेपी ने कुछ बढ़त हासिल की और 182 सीटें जीती, लेकिन बहुमत नहीं मिला, लिहाजा अटल जी को फिर गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। अब गठबंधन की सरकारें कैसे चलती हैं, ये हम अपनी पिछली तमाम सीरीज में आपको बताते ही रहे हैं। लगभग वही हाल अटल जी की दूसरी पारी में आई सरकार का हुआ। पहले दिन से संघर्ष कर रही ये सरकार 13 महीने बाद फिर गिर गई। 17 अप्रैल 1999 को संसद में अटल सरकार का विश्वास मत जांचा गया। उनके समर्थन में 269 वोट पड़े और खिलाफ 270 वोट। सिर्फ एक वोट की कमी और AIADMK की अध्यक्ष जयललिता के जिद के चलते सरकार गिर गई। लेकिन वो जितने दिन भी प्रधानमंत्री रहे, विपक्षी दलों को सभ्यता का पाठ पढ़ाते रहे। हम यहाँ लोगों से चुन के आए हैं और जब तक लोग चाहेंगे हम रहेंगे। आपका मैंडेट कौन होता है, हमारा फैसला तय करने वाला है। गवर्नमेंट दैट हैज बिट्रेड द मैंडेट, किसको आप किसने आपको जज बनाया है? आप यहाँ तो शक्ति परीक्षण के लिए तैयार नहीं है। अब जब असेंबली के चुनाव होंगे तब हो जाएंगे दो दो हाथ। लेकिन ये क्या है, सभ्य तरीके से लड़िए। इस
देश की मर्यादाओं का ध्यान रखिए। वो अपने काम और देश के लिए इतने संकल्पबद्ध थे कि जो भी काम हाथ में लेते थे उसे पूरा करने के बाद ही चैन से बैठते थे। दरअसल 1996 के लोकसभा चुनाव से पहले देश के 9वें पीएम पीवी नरसिम्हा राव को ये एहसास हो गया था कि घोटालों में नाम आने की वजह से उनकी सरकार जा सकती है। वो देश को परमाणु शक्ति बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम से मिलकर उन्हें ये समझाया कि हम जिस परमाणु प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं इसके बारे में विपक्ष के नेता अटल जी से जाकर बात करिए, ताकि अगर नरसिम्हा सरकार गिर भी जाती है तो परमाणु परीक्षण पर चल रहा काम नहीं रुकना चाहिए। राव साहब को जिसका डर था वही हुआ। लोकसभा चुनाव हुए और कांग्रेस हार गई, लेकिन जाते जाते नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा, सामग्री तैयार है, आप आगे बढ़िए। फिर जैसे ही 16 मई को पहली बार अटल जी ने पीएम पद की शपथ ली, उन्होंने कलाम के नाम बुलावा भेजा। कलाम साहब आए और अटल जी से मिले। अटल जी ने कलाम से परमाणु परीक्षण पर आगे बढ़ने की बात कही थी, मगर कुछ ही दिन में उनकी सरकार गिर गई। अगर वो कुछ दिन और रुक जाते तो अपने पहले ही कार्यकाल में परमाणु टेस्ट कर लेते। खैर, 2 साल बाद फिर सत्ता हाथ आई तो अटल जी का राव साहब को किया अपना वादा पूरा करने का मौका मिल गया। उन्होंने फिर अब्दुल कलाम और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के चीफ राजगोपाल चिदम्बरम को बुलाया और कहा, आपको अपना अधूरा काम पूरा करना है। बताया जाता है कि वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण की बात सिर्फ अपने 4 बड़े मंत्री लालकृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, यशवंत सिन्हा और जसवंत सिंह को ही बताई थी। जब टेस्ट हुआ तब भी ये चारों ही एक रूम में बैठे थे और आखिरकार 11 मई के दिन 3:45 पर भारत ने सफल परमाणु परीक्षण किए और खुद को परमाणु संपन्न देशों की गिनती में ले जाकर खड़ा कर दिया। इसका पूरा श्रेय अटल जी को ही जाता है, क्योंकि इतने कम समय में ऐसा साहसिक फैसला लेने की हिम्मत इससे पहले किसी नेता में नहीं हुई थी। अब बात उनके तीसरे कार्यकाल की। साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और इस बार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। लेकिन उनका ये कार्यकाल भी काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। दरअसल बढ़ती उम्र के साथ साथ वाजपेयी जी कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। तीसरी बार सरकार बनने के अगले साल उन्होंने अपने घुटने का ऑपरेशन करवाया तो मीडिया में उसकी खूब चर्चा हुई। ऐसे में उनकी खराब सेहत को लेकर एक बार टाइम मैगजीन ने जून 2002 में बेहद आपत्तिजनक लेख लिखा था। टाइम ने लिखा था, अटल बिहारी वाजपेयी ने युवावस्था में जमकर शराब पी है। वो अब 74 साल की उम्र में भी रात में 1 या 2 पैग का आनंद लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री अपने घुटनों के दर्द के लिए दवाएं लेते हैं। उन्हें कई तरह की समस्याएं हैं। वो डॉक्टर के आदेश पर हर रोज दिन में 3 घंटे की नींद लेते हैं। कई बार वो बैठकों में झपकी लेते हैं। क्या ऐसे व्यक्ति के हाथ में परमाणु हथियारों का कंट्रोल होना सही है? ये लेख पढ़कर वाजपेयी जी को बेहद दुख हुआ। दावा किया जाता है कि ये सारी खबरें टाइम मैगजीन के संवाददाता को बीजेपी की ही किसी वरिष्ठ नेता ने दी थी। और इसी तरह एक किस्सा ऐसा भी है जो ताउम्र उनके साथ जुड़ा रहा और उनके मरने के बाद भी सुर्खियों में बना रहा। वो किस्सा है अटल जी और राजकुमारी कौल से जुड़ा। जैसा कि हम सब जानते हैं, वाजपेयी जी ने कभी शादी नहीं की, लेकिन फिर भी उनका नाम राजकुमारी कौल नाम की एक महिला से लगातार जुड़ता रहा। ये कहानी 1940 में शुरू हुई थी, जब अटल ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ते थे। उस दौरान उनकी मुलाकात राजकुमारी हक्सर नाम की एक लड़की से हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन राजकुमारी के पिता ने उनकी शादी दिल्ली के एक युवा लेक्चरर ब्रिजमोहन कौल से कर दी। लव स्टोरी टूटी तो अटल जी ने अपना पूरा फोकस राजनीति पर किया। आगे चलकर सांसद बने तो दिल्ली में बड़ा बंगला मिला और दिल्ली में रहने लगे। राजकुमारी के पति तब DU में फिलॉसफी पढ़ाते थे। वहीं एक बार अटल और राजकुमारी की फिर से मुलाकात हुई। राजकुमारी कौल के पति ब्रिजमोहन खुले विचारों के व्यक्ति थे। उन्होंने कभी अटल और राजकुमारी की दोस्ती का बुरा नहीं माना। वाजपेयी ने पूरी जिंदगी शादी नहीं की, लेकिन मिसेस कौल उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनकर रही। 2014 में जब राजकुमारी कौल का निधन हुआ तो प्रेस रिलीज में कहा गया कि मिसेस कौल पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की पारिवारिक सदस्य थी। इसके बाद उनके अंतिम संस्कार में पक्ष और विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल हुए थे।
अटल जी के बारे में एक किस्सा लिखते हुए सीनियर जर्नलिस्ट पूर्णिमा त्रिपाठी लिखती हैं, अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ में एक बड़ी बैठक को संबोधित करने वाले थे। होस्ट ने मंच से उनकी भूमिका में कहा, भाइयों और बहनों, अब आपके सामने आ रहे हैं कवि, वक्ता, सबके प्रिय नेता, चिर ब्रह्मचारी अटल बिहारी वाजपेयी। ये बात सुनकर अटल जी स्टेज पर आए और मंद मंद मुस्कराए। वो बोले, देवियों और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि मैं कुंवारा जरूर हूं, पर ब्रह्मचारी नहीं। पहले तो वहां मौजूद दर्शकों को कुछ समझ नहीं आया, और जब समझ में आया तो पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। अब आपको मोदी और अटल जी से जुड़ा एक और किस्सा बताते हैं। जब उन्होंने गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी से कहा था कि राजधर्म का पालन करो, ये बात गुजरात में हुए गोधरा कांड से जुड़ी है, जब वहां दंगे भड़क उठे थे। पूरी दुनिया का फोकस उस वक्त गुजरात पर ही था। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे और हर मोर्चे पर उनकी आलोचना हो रही थी। ऐसे में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अहमदाबाद दौरे पर गए और प्रेस के सामने उन्होंने मोदी से राजधर्म निभाने के लिए कहा। इसका मतलब ये था कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। ये बात सुनकर चारों तरफ से लोग खड़े हुए और कहा कि मोदी को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हालांकि वाजपेयी मोदी को हटाने का मन बना चुके थे, लेकिन युवा सीएम को सभी का समर्थन मिलता देख वो चुप हो गए। वक्त आगे बढ़ता रहा। वाजपेयी जी की काफी उम्र हो चली थी, तो उन्होंने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया। उनके इस ऐलान के बाद लालकृष्ण आडवाणी का कद भी घटने लगा और नरेंद्र मोदी का कद तेजी से बढ़ता चला गया, और आज बीजेपी का दूसरा नाम मोदी है। हमने ऐसी रेखाएं खींची हैं जो काल के कपाल पर अमिट रहेंगी, जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। मौत से मनुष्य की हमेशा ठनती है, मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं? तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आधियों में जलाए हैं पुश्ते दिए।